हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल मार्केट स्ट्रेटजी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो चलिए रोज की तरह देख लेंगे परफॉर्मेंस कैसा है और कल कौन सा स्टॉक में काम करेंगे। उससे पहले मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि ये चैनल कम्प्लीटली बिगनर्स लोगों के लिए है, जहाँ पर आप लोगों को स्टॉक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और लेवल्स भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा यहाँ पर। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ उन लोग कमेंट करिए, ताकि हमारा जो टीम जो काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उन लोगों को भी मोटिवेशन मिल जाए। हम उस तरह के वीडियो नहीं बनाते जो कि यूट्यूब में डालते हैं कि अगर आप हमारे लिंक से काम करोगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। बस सिंपल सा फंडा है, आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, प्रॉफिट लीजिए और सिर्फ उसके बदले एक कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करना तो आपका मर्जी है, तो ठीक है चलिए। और फैंटास्टिक फोर में तो हम लोग चार स्टॉक देते ही है, और उससे ज़्यादा स्टॉक अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग ये स्टॉक टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं, जिसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए, कल का मतलब मंगलवार 4 फरवरी 2020 का कौन सा स्टॉक में काम करेंगे, कहाँ लेवल है देखेंगे। उससे पहले जो कल दिया था उसका परफॉर्मेंस भी थोड़ा देख लें, उसके बाद हम देख लेंगे कल के लिए। तो चलिए, पहला जो कल दिया था वो था वरुण बेवरेज लिमिटेड, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसका बाइंग अपॉर्चुनिटी था 780 के ऊपर, 780 के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी था लगभग यहाँ पर। तो इसका जो प्रॉफिट आप लोगों को मिला है ये 15 पॉइंट था, लेकिन 15 पॉइंट नहीं गया, 10 पॉइंट गया, उसके बाद नीचे आया और उसके बाद फिर से ऊपर चला गया। ये देखिए, जहाँ आप लोगों को 15 नहीं 20 पॉइंट लगभग मिल गया है। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल में पुराने हैं उन लोगों को पता है कि इंट्राडे ट्रेड कैसा करना है और प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे बनाना है, जो कि हमारा प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप लोग प्लीज जाके देख लीजिए। उसके बाद दिया था जुबिलियन फूड का, तो जुबिलियन फूड का 1904 के ऊपर बाइंग लेवल था। उससे पहले मैं बोल दूँ, बोरन बीवरेज में सेल साइड एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है, और जुबिलियन फूड में 1904 के ऊपर बाइंग था, 1904 लगभग यहाँ कहीं पे, और इसका टारगेट था 36 रुपीज़, जो कि 36 नहीं बल्कि लगभग 70 पॉइंट आप लोगों को मिला, लगभग 70 पॉइंट, ठीक है, तो 70 पॉइंट आप लोगों को मिला, मुबारक हो। और इसके बाद थर्ड स्टॉक था राजेश एक्सपोर्ट का, राजेश एक्सपोर्ट में क्या हुआ देख लेते हैं। 724 के ऊपर बाइंग था, 724 के ऊपर लगभग यहीं पर कहीं था, और इसका 15 रुपया टारगेट था, 15 रुपया लगभग 15 नहीं 10 पॉइंट दिया है, और उसके बाद ये स्टॉक नीचे आ गया है, लेकिन नीचे मतलब सेल साइड एक्टिवेट नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर से एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ आप लोगों को, इंट्राडे में 10 पॉइंट निकालना कोई आसान बात नहीं है। और चौथा स्टॉक था टाटा इलेक्सी का, टाटा इलेक्सी में हम 959 के ऊपर बाइंग था,
59 लगभग यहाँ पर पॉइंट था और 18 पॉइंट आप लोगों को टारगेट था। देखते हैं कितना मिला है आप लोगों को। 18 पॉइंट मिल गया है, नहीं 21 पॉइंट मिला है, एक ही तरफ ये भागा है और 21 पॉइंट आप लोगों को मिल गया है। तो हम आशा करते हैं ये जो प्रॉफिट है, इन प्रॉफिट को आपने भरपूर इसका लाभ उठाया और एंजॉय भी किया। तो ऐसा ही कुछ स्टॉक हमारा टीम ने निकल के लाया है आप लोगों के लिए, जो कि कल को ट्रेड करेंगे। कल मतलब 4 फरवरी 2020 में हम ट्रेड करेंगे। तो पहला जो स्टॉक है वो आया है मोनोपुरम फाइनेंस लिमिटेड। इधर देखिए मोनोपुरम फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। इसका जो बाइंग प्राइस आप लोगों के लिए निकल के दिया है हमें, वो है बाइंग आया है 189 के ऊपर, ठीक है। और स्टॉप लॉस आ रहा है 1 रुपया 15 पैसा और टारगेट आ रहा है 3 रुपया 50 पैसा, 3.5 रुपया, ठीक है। और सेल साइड एक्टिवेट होगा अगर ये 182 के नीचे क्लोजिंग दे दे तो। और फैंटास्टिक फोर का जो सेकंड स्टॉक, दूसरा स्टॉक है वो है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा देखिए दिन भर कहीं नहीं गया, अगर ये मूव करता है तो बहुत दूर जाने वाला है। तो इसका भी हम लेवल देख लेंगे कि अगर ये स्टॉक 1918 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो ये बाइंग आएगा, जिसका स्टॉप लॉस आएगा 12 रुपया और टारगेट आएगा 36 रुपीज़, ठीक है। और नीचे के साइड अगर एक्टिवेट होना चाहिए इसका 1882 के नीचे क्लोजिंग होने के बाद, ठीक है। तो ये रहा। और थर्ड जो स्टॉक है वो है मोहनागढ़ गैस लिमिटेड। ये भी देखिए दिन भर एक ही जगह पे हुआ है। तो ये स्टॉक निकलना आप लोगों के लिए मेहनत करना पड़ता है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो मोहनागढ़ में हम लोग बाइंग देखेंगे कहाँ पर आ रहा है। 1178 के ऊपर बाइंग आ रहा है, इसका स्टॉप लॉस आ रहा है 7 रुपया और टारगेट आ रहा है 21 रुपया, मतलब 21 रुपीज़। और सेल साइड एक्टिवेट होगा 1144 के नीचे क्लोज होने के बाद, ठीक है। चढ़ती घड़ी में मत चाहिए, ठीक है, भाव पिछड़ जाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा ही ट्रेड करना है, ऐसा ही ट्रेड करना चाहिए, जो कि मैं बिगिनर्स लोगों के लिए ये चैनल बनाया हूँ। और चौथा जो स्टॉक आया है वो आया है कॉनकॉर्ड, मतलब कंटेनर कॉर्प इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इसका जो बाइंग आ रहा है, इसका बाइंग आ रहा है 1553 के ऊपर और स्टॉप लॉस आ रहा है 553, मतलब सिर्फ 553 के ऊपर, मतलब 553 के ऊपर बाइंग है और स्टॉप लॉस आ रहा है इसका 3.5 और टारगेट आ रहा है 10 रुपया, 10 रुपीज़। और नीचे का साइड एक्टिवेट होगा 535 के नीचे, ठीक है। तो देखिए ये जो स्टॉक, ये चारों जो निकल के आया है, इससे ज़्यादा और भी बहुत सारा स्टॉक आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा, क्योंकि आज बहुत सारा स्टॉक हमको निकल के दिया है। उन जो बल्क स्टॉक है उस स्टॉक से हम ये चार्ट अपनी तरह से खोज के निकला है, लेकिन जो बाकी जो स्टॉक है वो सारे स्टॉक
आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो कि आप लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि रोज की तरह कल भी आप लोग प्रॉफिट में ही निकलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।